पैसे और वक्त दोनों बताने शुरू कर लो, क्योंकि भर भर के नए मोबाइल गेम्स आ रहे हैं यार। FPS गेम्स पसंद है या फिर बैटल रॉयल, मोबा से प्यार है या NFTs पे बेहाल, सब है आज के एपिसोड में। और लास्ट वीक के जर्नी गिव अवे विनर्स भी इस वीडियो में अनाउंस होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हूं राहुल इंद्रजार, आप देख रहे हो ईस्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ईस्पोर्ट्स। BGMI, Free Fire, Clash of Clans, Call of Duty Mobile, Clash Royale, Brawl Stars, Wild Rift, भैया मोबाइल गेम्स की ना कोई कमी नहीं है, शॉपिंग मॉल लगाई हुई है। लेकिन फिर भी आज के गेमर्स को हमेशा कुछ नया चाहिए, और इंडिया में तो 30 करोड़ गेमर्स हैं बॉस, और लगभग सिर्फ 10 से 15 कंपेरेटिव मोबाइल गेम्स। थोड़ा ऑफ लग रहा है ना रेशियो? हाँ ऑफ है जरूर। इसकी वजह से रोज नए गेम्स उतर रहे हैं यार मार्केट में, और आज हम इन गेम्स को लेके बातचीत करेंगे। टॉप 5 मोस्ट अवेटेड मोबाइल गेम्स। इंडिया का द मोस्ट अवेटेड गेम पबजी न्यू स्टेट लॉन्च होने वाला है। यू नो ऑलरेडी 40 मिलियन रजिस्ट्रेशन क्रॉस हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एग्जैक्टली वाह क्राफ्टन वाह, एक और बाउंसर और एक और सिक्सर। BGMI के क्रेज को देखते हुए ये गेम बहुत जल्दी आ तो जाएगा, बट सवाल ये उठता है कि क्या हमारे BGMI प्रोज, BGMI क्रिएटर्स इस गेम पर शिफ्ट करेंगे? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, बिकॉज बढ़ते हुए हैकर्स नहीं बढ़ते हुए चीटर्स को देखते हुए ये गेम एक बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। पिछले एपिसोड में हमने कुछ क्लासिक्स में हैकर्स देखे थे, इसीलिए हम बार बार पबजी न्यू स्टेट के साथ मोस्ट अवेटेड वर्ड यूज कर रहे, बिकॉज सच में बहुत इंतजार है इस गेम का। नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नई गेम आएगी, और साथ में कुछ नए रास्ते खोलेगी, इन हैकर से छुटकारा मिल सकता है। बहुत से उसमें फ्यूचरिस्टिक फीचर्स भी हैं जो डिफरेंट बनाएगा आपके PUBG और BGMI गेम से। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर आपने देखा या नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक जरूर से कर लीजिएगा। कुछ लोगों का अभी भी एक डाउट है कि क्या ये गेम भी हाई एंड डिवाइसेस वालों के लिए है। चलो अगर होता भी है तो लो एंड डिवाइसेस वाले परेशान क्यों हो रहे हैं? BGMI लाइट का इंतजार कर रहे थे ना, आ रहा है अनाउंसमेंट। थिएटर में पॉपकॉर्न के साथ मूवी देखते हो ना, कभी ईस्पोर्ट्स का टूर्नामेंट देखा है? अब देख पाओगे। क्यों? क्योंकि नॉर्डविन और PVR की पार्टनरशिप ने अब ईस्पोर्ट्स की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे दिया है। ना सिर्फ मूवीज, ना सिर्फ थिएटर शोज, अब आपको ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स भी बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप प्राइज पूल $5.6 million, PUBG मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप प्राइज पूल $6 million। PMGC के अनाउंसमेंट आ चुके हैं गाइस, 30th नवंबर से टूर्नामेंट शुरू होने वाला है विद अ मैसिव प्राइस पूल ऑफ $6 million। क्या कह रहे हो? PMGC लैन होता तो मजा आता। अरे PMGC को छोड़ो, टोरंटन भाई ने अपनी लाइव स्ट्रीम में बताया कि एशिया का नंबर वन बूट कैंप रहेगा हमारा। अरे हमारे बूट कैंप है ना, लैन करवाएंगे हम, बट अंडरडॉग्स के लिए। अब नई अपॉर्चुनिटीज नई टीम्स के लिए आ रही हैं, तो नई गेम्स भी तो होने चाहिए। गॉडलाइक जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर नई गेम्स में भी इन्वेस्ट करती है, तो सोचो हमारी इंडियन ईस्पोर्ट्स कम्युनिटी की ग्रोथ कहां तक पहुंच जाएगी। गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स के बारे में बात कर ही रहे हो, तो उनका पार्टनरशिप इस हफ्ते लाइव गया कॉर्नरस्टोन के साथ। अब जिन लोगों को कॉर्नरस्टोन के बारे में नहीं पता, कॉर्नरस्टोन इंडिया की लीडिंग टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सुपरस्टार्स के साथ काम करती है। जैसे विराट कोहली सर हो गए, KL राहुल हो गए, इवन दो फिल्म इंडस्ट्री में भी शाहरुख खान हो गए, या फिर काफी सारे उनकी वेबसाइट पे देख लेना गाइस। एंड देन ई-स्पोर्ट्स में हम एक्सक्लूसिव, हमारे अलावा और कोई नहीं। वाह क्रॉन्टन भाई वाह, आने वाले दिन इंडियन ई-स्पोर्ट्स के लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। पिछले एपिसोड में आप सबके कमेंट्स पढ़े, आप लोगों ने इतना प्यार दिया ना हमें जर्सी के गिव अवे पर। कमेंट्स पढ़ के मेरे तो आंखें भर आई यार। आई कुडंट डिसाइड कौन ये जर्सी जीतने वाला है, तो वी विल यूज द मोस्ट साइंटिफिक वे पॉसिबल, ये मेथड रॉन्ग ही नहीं हो सकता। हम पार्थ को बिठा के ब्लाइंड फोल्ड करेंगे, जहां भी उसकी उंगली रुकी वही जीतेगा आज का जर्सी गिव अवे। ये मेथड हम 3 बार करेंगे। कंग्रेचुलेशंस टू द विनर्स। अब बारी आती है एक और मोस्ट अवेटेड गेम की। गरीना हर समय अपनी जनता के लिए कुछ न कुछ नई चीजें लेके आते हैं, इस बार तो एक पूरी नई गेम लेके आ गए, फ्री फायर मैक्स। ये गेम आपको एक क्रिस्पर एंड स्मूदर गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है।
ये गेम का साइज 0.9 GB है फॉर एंड्रॉइड एंड 1.7 GB है फॉर iOS यूजर्स। अब गेम का बेटर ग्राफिक्स क्वालिटी, HD मैप्स और एक हायर फ्रेम रेट में खेलने का मौका देती है। इन चीजों की वजह से आपको एक बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस तो जरूर मिलेगा। पर एक मिनट, यहाँ पे एक गेम मोड भी है जहाँ पे आप खुद के मैप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द क्राफ्टलैंड फीचर। बट फ्री फायर मैक्स का सबसे अनोखा और इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ पे क्रॉस प्ले हो सकता है, यानी कि फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के प्लेयर्स एक दूसरे के साथ गेम खेल सकते हैं। इस वजह से कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा प्लेयर्स मैक्स से लॉबी ज्वाइन कर रहे हैं ताकि उनको एक बेटर फील मिल सके ग्राफिक्स का। नेक्स्ट अप बात करते हैं बड़े एक्सपीरियंस वाली गेम वैलोरेंट के मोबाइल वर्जन की। वैलोरेंट का मोबाइल वर्जन 2022 का सबसे एंटिसिपेटेड गेम है और इंडिया में इसका इंतजार बेसब्री से करा जा रहा है। और जहां तक हमें पता है ये गेम अभी तक डेवलपमेंट स्टेजेस में है। इसके मैकेनिक्स पीसी से काफी डिफरेंट होने वाले हैं और स्पेकुलेशन तो यही है कि गेम का रिलीज डेट mid-22 के आसपास होने वाला है, विच इज वाई Valorant Mobile India टॉप 5 मोस्ट अवेटेड मोबाइल गेम्स में माना जा रहा है। क्या आप तैयार हैं Valorant Mobile के लिए? जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं हमारी इंडिया की टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की। APAC लास्ट चांस क्वालिफायर्स इसी हफ्ते शुरू हुआ और ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी डैमॉन गेमिंग के खिलाफ 2-1 से जीत के। इट्स द वॉश डिश। ओह नो, नो टाइम, नो वे। क्या डैमॉन गेमिंग की बात कर ही रहे हो तो एक बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी है। डैमॉन गेमिंग के कोच इरेजर एक जमाने में जी के लिए फोर्टनाइट प्रोफेशनली खेलते थे, यार दुनिया के टॉप प्लेयर्स में माने जाते थे एंड फॉर गुड रीजन। आज उन्हें इतने बड़े एस्टैब्लिश्ड टॉक के साथ काम करते हुए देख के बहुत खुशी हो रही है यार। विश यू ऑल द सक्सेस फॉर द फ्यूचर इरेजर। इन्फ्लुएंशियल फिगर्स तन्मय भट्ट, समीर रैना के साथ साथ कम्युनिटी के सभी टॉप टीम्स एंड प्लेयर्स ने भी जम के सपोर्ट किया ग्लोबल स्पोर्ट्स को और क्राउड का सपोर्ट तो लाजवाब था। आखिरकार ग्लोबल स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक प्राउड मोमेंट था हम सभी के लिए। अगला मैच था ग्लोबल स्पोर्ट्स का एशिया की बेस्ट टीम पेपर एक्स के साथ। इट वॉज मैडनेस। पेपर एक्स ने ग्लोबल स्पोर्ट्स को 2-0 से हराया। बट मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक लर्निंग कर्व था ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए। एशिया की बेस्ट टीम के साथ खेलना, उनके टैक्टिक्स को समझना, उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना, ये करते करते ही आप सीखेंगे, हारते हारते ही आप जीतते हैं एंड ये तो जिंदगी का असूल है। इस हार के बाद ग्लोबल स्पोर्ट्स अब लोअर ब्रैकेट में जा चुका है और कल वो अपना मुकाबला खेलेगा टीम F4Q वर्सेस टीम फाइनल के विनर के साथ। On behalf of the whole team and the organization, a huge shout out सारी कम्युनिटी को जिन्होंने हमें इस जर्नी में इतना प्यार दिया यार, थैंक यू। बट हाँ, एक शिकायत भी है उन लोगों से जो Shazam, Tens, बाकी के प्रोज और क्रिएटर्स के स्ट्रीम पे जाके, क्या आप SK Rossi को जानते हो? क्या आप SK Rossi को जानते हो? I know who SK Rossi is. You're always spamming my opinion about SK Rossi, guys. You're not helping, trust me. It becomes a little too much. It becomes annoying. Other people don't like how it looks. भाई, याद है ना? इसके बारे में हमने काफी पहले ही बात कर लिया। किसी के स्ट्रीम में जाकर और किसी के बारे में बात करना, वो भी उन्हीं जिनसे आपको मालूम है हेट निकलेगा, ऐसे टारगेट करके रिएक्शन का क्लिप बनाना, ये कंटेंट नहीं है। इंडियन कम्युनिटी को क्रिंज समझने के अलावा इससे और कुछ नहीं होगा यार। इससे तो बेटर है हजारों आइडियाज मैं आपको दे सकता हूँ जिससे आप SK Rossi और इंडियन कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हो। उन्हें सोशल्स पे फॉलो करो, स्ट्रीम्स पे प्यार दो, सारी टीम को इनफैक्ट, और APAC LCQ में उन्हें ढेर सारा सपोर्ट दो। APAC लास्ट चांस क्वालिफायर्स के साथ साथ EMEA लास्ट चांस क्वालिफायर्स भी अपने राउंड 2 पे पहुंच चुका है। फुटबॉलिस्ट, G2, गिल्ड ईस्पोर्ट्स एंड टीम लिक्विड अब राउंड 2 के अपर ब्रैकेट में खेलते हुए आपको नजर आएंगे। बट यार कहना पड़ेगा, पूरी दुनिया वैलोरेंट में जीतने के लिए खेल रही है, कौन पहुंचेगा वैलोरेंट चैंपियंस में ये तो वक्त ही बताएगा। जो Rossi की स्टोरी से इंस्पायर जरूर हुए लेकिन अपना गेमिंग मोबाइल में करना पसंद करते हो, डोंट वरी, Valorant Mobile तो आ ही रहा है। और जिस दिशा में Riot Games ने League of Legends, Wild Rift और अब Valorant का भी रुख मोड़ लिया है ना, Valorant Mobile could be the next big thing for Indian esports। एपिसोड के शुरुआत में हमने गेम्स की सप्लाई और डिमांड की ढेर सारी बातें की। एक बहुत ही स्पेशल कम्युनिटी है इंडिया में जिसका हिस्सा मैं भी रह चुका हूं और वो है हमारी MOBA कम्युनिटी। आज भी इंडिया में डोटा 2 और लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने वाले प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है बॉस। इनफैक्ट दोनों गेम्स के टॉप चैंपियनशिप्स
Dota 2's International 10 और League of Legends Worlds अभी लाइव हो चुके हैं। लॉकडाउन प्रोटोकॉल्स की वजह से टूर्नामेंट में बहुत सारे इश्यूज थे। इनफैक्ट सिर्फ हेल्थ इश्यूज ही नहीं, छोटे से कमरे में खेलने कहा जा रहा था और भाई सीट्स रिक्लाइन करना तो दूर, हार्डवेयर रखने की जगह नहीं थी इन रूम्स में। होपफुली वैल्व ये सारे प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व करे क्योंकि प्लेयर्स इस इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है यार। उन्हें प्रॉपरली फैसिलिटीज, सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे तो भाई पोटेंशियल कैसे दिखेगा, ई-स्पोर्ट्स आगे कैसे बढ़ेगा और नए नए टैलेंट्स को और भी खेलने का मौका कैसे मिलेगा। देखो डोटा 2 जैसी गेम्स को बहुत लोग मानते हैं, इनफैक्ट उनकी ऑडियंस डाई हार्ड है, लेकिन आज के दिन कंपटीशन की कोई कमी नहीं है बॉस। पोकेमॉन यूनाइट को ही देख लो, ये गेम ने एक ही महीने में इतना बड़ा धमाका मचाया ना, इनफैक्ट उज्जवल और मॉर्टल जैसे क्रिएटर्स भी रोज यही गेम खेल रहे हैं। पोकेमॉन यूनाइट एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल अरीना गेम है, यानी कि मोबा। डोटा 2 और लीग ऑफ लेजेंड्स की तरह ही 5v5 का गेम है और इसे आप एंड्रॉयड और iOS दोनों पे खेल सकते हो, और अगले महीने ये निंटेंडो स्विच पे भी आ जाएगा। अब जो लोग पूछ रहे हो एमी भाई क्या गेम सक्सेसफुल रहेगा, यार गेम की सक्सेस या फेलियर गेम का पब्लिशर ही तय करेगा। अपने कैजुअल और कंपेरेटिव प्लेयर बेस को खुश करने के लिए ढेर सारे इवेंट्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट्स, एक बैलेंस्ड रैंक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ये सब ठीक से हो गया तो भाई क्यों नहीं, कमेंट्स में हमें बताइए आपकी क्या राय है इस गेम को लेके। देखो चार गेम्स के बारे में तो बहुत बातें कर ली, लेकिन एक मोबाइल गेम है जो सबसे अवेटेड है एनएफटी कम्युनिटी के लिए। थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है यार, आफ्टर ऑल ये पहली ब्लॉकचेन गेम है जिसे खेल के लोग पैसे कमा सकते हैं, एक्सी इंफिनिटी। पोकेमॉन जैसे गेम से इंस्पायर होकर बनाया ये, इसमें ब्रीडिंग है, बैटलिंग है, ट्रेडिंग है और बेस्ट ऑफ ऑल ये ब्लॉकचेन पे चलता है। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स, एक्सी इंफिनिटी में एक प्ले टू अर्न स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। और भी जानकारी के लिए YouTube पे ढेर सारे गाइड्स हैं, तो आप देख सकते हो और अपनी एक्सी जर्नी शुरू कर सकते हो। याद रहे ऑल ऑफ दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन द ब्लॉकचेन। इसके अलावा एक और बहुत ही एक्साइटिंग चीज है जिसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी। दूर कहीं जीवस के अंदर वीडियो गेम्स की दुनिया के डेमीगॉड्स एक क्वेस्ट पे निकले हैं अंडर वन कॉमन मिशन। वो मिशन है दुनिया का बेस्ट गेमर ढूंढ निकालना, और ये सब करना ई स्पोर्ट्स के साथ साथ। लोर की तो काफी बातें कर ली, लेकिन अब बात करते हैं कि यार आखिर में GNFTs हैं क्या। GNFTs 10,000 रेट्रो 8-bit प्रोफाइल पिक्चर कैरेक्टर्स हैं जिसके 100 से भी ज्यादा हैंड ड्रॉन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इसे खरीद के आपको गेमिंग और ई स्पोर्ट्स से जुड़े सबसे बड़े कॉन्टेंट क्रिएटर्स, ई स्पोर्ट्स एथलीट्स, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स और ऑगोनों से भरी एक एक्सक्लूसिव क्लोज कम्युनिटी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, और उसी के साथ साथ एक बहुत ही स्पेशल ई स्पोर्ट्स यूटिलिटी। अब टीम के साथ आप भी प्राइस पूल कमा सकते हो। इसके बारे में और डिटेल जानना है तो फॉलो रुशिंद्र सिन्हा ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, और आने वाले दिनों में एनएफटीज और ब्लॉकचेन रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट आने वाला है ग्लोबली स्पोर्ट्स के डिस्कॉर्ड चैनल पे। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। चलो बाय।